हेलो, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आज आप लोग के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, हाउ टू यूज़ डेबिट कार्ड ऑनलाइन। आज के ज़माने में, आज के देश में पैसे के बहुत प्रॉब्लम है, उसकी वजह से सभी लोग ऑनलाइन में परचेस करते। तो ऑनलाइन में कैसा डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में मैंने एक छोटे से वीडियो बनाया। देखिए, आप अपने ATM कार्ड लेंगे, ATM के कार्ड में ऐसे कुछ नंबर्स होंगे, बड़े नंबर, उसको बोलते हैं कार्ड नंबर। जैसे आप ऑनलाइन परचेस करते हो, पहला जब कोई भी कार्ड परचेस करेंगे उसके बाद तो क्या करना, डेबिट कार्ड में क्लिक करना। इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक के बाद नेक्स्ट एक ऑप्शन खुलेगा, वो ऑप्शन में कार्ड नेम बोलेगा, तो कार्ड नेम ऐसे लिखा रहेगा, कार्ड नेम बोलेंगे तो आपको डेबिट कार्ड लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद कार्ड नंबर बोलेंगे तो कार्ड में एक नंबर होगा, मिनिमम आई थिंक सो 16 डिजिट्स कुछ होता है, मुझे इतना कंफर्म तो नहीं है, फिर भी जो नंबर होगा वो नंबर पूरा लिख लीजिए। उसके बाद वैलिड बाजू में एक ऑप्शन होगा, उसमें मंथ, आपके कार्ड के नीचे मंथ लिखा होगा, वो मंथ को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाजू में ईयर होगा, ईयर को सिलेक्ट कीजिए, जो आपके कार्ड में है वही मंथ वही ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप अपने कार्ड को पीछे घुमाएंगे तो उसमें CVV ऐसे लिखा रहेगा, उसके बाजू में 3 अंक के नंबर होंगे, वो नंबर को एंटर करते ही आप एंटर करते 2 मिनट के लिए क्या होगा, आप नेक्स्ट साइड पे जाएंगे, आपके बैंक के साइड पे, तो उसके बीच में वो बैंक के साइड में एक ऑप्शन खुलेगा, उसमें आपको OTP वन टाइम पासवर्ड, यह वन टाइम पासवर्ड बहुत अच्छा है, इसके द्वारा अपना कार्ड का कोई मिसयूज नहीं कर सकता है। ये OTP एक नंबर होता है, कुछ नंबर आते हैं 4 अंक का, नहीं तो 5 अंक का, जो भी नंबर आता है वो नंबर अपने मोबाइल, जो बैंक से अपना अकाउंट रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर में आएगा, वो नंबर को जैसे एंट्री करेंगे तो अपना पेमेंट हो जाएगा और जो भी आपने परचेस किया वो सब कुछ कंप्लीट हो गया। ऐसा एक वीडियो है और आप लाइक करके लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।